गाइस मतलब उडारिया के जितने भी फैंस हैं, हमारे जो फैंस हैं, फाइनली आप लोग जो बोल रहे थे कि अंकित का इंटरव्यू लेके आओ, तो फाइनली आज अंकित हमारे सामने है। तो आपके सवालों के सिलसिला अंकित से शुरू करते हैं। अब ये श्योर नहीं हूँ कि वो क्या जवाब देंगे, मगर मैं आपके फैंस का जो सवाल है वो जरूर पूछूंगी। तो सबसे पहले तो अंकित आपसे पहला सवाल ये है कि मतलब टीवी का नंबर वन शो है कलर्स, उडारिया जो है कलर्स का नंबर वन शो है, और मतलब शो में अचानक से लीप आ गया, फैंस है ना जो शॉक्ड हो गए कि मतलब अचानक से लीप अनएक्सपेक्टेड था, तो क्या कुछ कहना है इस पर आपको? I think it is the right time, but according to me, I thought leap तो थोड़ा और पहले आ जाना चाहिए था, because what happens कि हर कैरेक्टर की एक जर्नी होती है, हर स्टोरी का एक एंड होता है. जब एक पुरानी स्टोरी एंड होगी तभी एक नई स्टोरी शुरू होगी. तो what I personally feel कि जो हमारी बेसिक स्टोरी थी उसका एंड हो चुका था, तो लीप तो आई थिंक हमारे लागने ट्रैक के बाद ही आ जाना चाहिए. बट ठीक है, इट्स नॉट द इट्स आल्सो नॉट द बैड टाइमिंग एंड आई सी दैट लीप इज एक्चुअली वर्किंग फॉर अस. ओके, कलर्स का ये शो जो उडारिया है काफी ज्यादा पॉपुलर है, और मतलब आज के समय में अंकित को फतेह के नाम से ही जाना जाता है। तो मतलब इस शो में काम करके अब तक की जर्नी कैसी रही आपकी, और मतलब क्या कुछ कहना है इस शो को लेकर आपको? जर्नी अभी तक की बहुत ही ज्यादा अच्छी रही, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी थे. आई थिंक दिस इज द शो वेर इन आई हैव लिटरली गिवन माय ब्लड एंड स्वेट. तो आई थिंक दिस हैज बीन ग्रेट. ओके ओके